नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि जालौन जिले के महेबा ब्लॉक में 3 गांव मिलाकर के 1 ग्राम पंचायत बनती है, जिसमें सीकरी, जाहर और बमहौरी खुर्द एवं सेम गांव में मिलाकर 1 ग्राम प्रधान बनाया जाता है, जिसमें तीनों गांव को राशन बांटने का काम वीरेंद्र सिंह पाल करते हैं, जो सीधे सीधे कोटेदार को करीब 2.5 साल से ग्राम प्रधान यदुनाथ सिंह यादव द्वारा हर माह अपने लोगों को मनचाहा राशन दिलाकर और रात में हथियारों के दम पर जबरदस्ती राशन उठा ले जाने की शिकायत व ऑडियो रिकॉर्डिंग जब मीडिया को सुनाई गई तो जिला अधिकारी डॉक्टर मन्नान अख्तर ने जांच के आदेश दिए और जांच में सच्चाई मिलने के बाद कड़ी कार्रवाई करने की बात की। अब देखना होगा कि दबंग प्रधान पर कार्रवाई होती है या फिर दबंग प्रधान अपनी दौलत को दिखाकर अधिकारियों व भोली भाली जनता का मुंह बंद कर देगा। सभी ग्रामीणों ने बताया कि दबंग प्रधान की वजह से ना ही गांव में कोई विकास हुआ, ना ही दबंग प्रधान अपनी दबंगई के चलते किसी का भी कोई विकास होने देगा। एक ग्रामीण ने बताया कि हमें कॉलोनी मिली थी जिसका पैसा 40,000 रुपए ग्राम प्रधान ने निकलवा लिया और लेकर चला गया। हम मांगते रहे लेकिन पैसा नहीं दिया, हमने अपने पैसे से कॉलोनी बनवाई है। हेलो, अजय पाल, हाँ सर, कहाँ हो बता। 50 किलो चावल श्याम स्वरूप के मोड़ा दुकानदार का दे दे। अच्छा, और गंगाराम को मोड़ा है कमलेश, हाँ, 1 क्विंटल पिसिया बाय दे दे। आप तो कहते कतार गई जा कह रहे तो कहीं नहीं कहते कतार नहीं दे दे, दे हम जा कह रहे हैं दे दे हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ दे दे ठीक है। और जाके बाद जो है भूप सिंह आए वीरन को भैया, हाँ 50 किलो पिसिया बाय दे दे, 50 किलो दे दे वीरन का, हाँ हाँ ठीक। इसके बाद बंद कर दे, इसके बाद जो है काऊ का नहीं रहने और जाके बाद कबरे कोटा बेचने अपन का। 2.5 क्विंटल रहेगा ये, 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल जो भी हो सो दे दो, जाके बाद बंद करने काऊ का नहीं रहने और जाए दे कोई इच्छा हो सो हमें बता दियो। सुरंद कुशवाहा आए थे कल है, सुरंद कुशवाहा, सुरंद कुशवाहा आए थे, हमारी बात कराइयो जाके बात दियो। क्या कह रहे थे कि जो है ना बताओ, अरे बटो तो जो है ना महीना होएगा, जो क्या कह रहे थे महीना हो जो है 2 महीना नहीं तो हमसे बात करियो जाके बाद 50 ग्राम काऊ का दियो, ठीक है। और धमकी देता कहीं रास्ते में मिलेगा साले के बक्कल उधेल देंगे। अरे कितने वर्षों से कर रहा है ये, जब से बना है 2.5 साल से, 2.5 साल से परमानेंट। किसी को बोलता है इसको 2 बोरी गेहूं दे देना, इसको 50 किलो चावल दे देना, इसको जो है 4 क्विंटल गेहूं दे देना, इसको फला फला जो मेरे आदमी है उनको देना, बाद बाकी वो भाड़ में जाने दो। फोन पर क्या धमकियां देते हैं? फोन पर धमकियां देते हैं, गाली गलौच करते हैं, तुझे ऐसा कर देंगे, तुझे गुंडागर्दी, मैं तुझे उसमें जेल भजवा दूंगा, और तुझे माँ पड़ा माँ बहन की गालियां भद्दी भद्दी देता है सर। घूमता कहाँ ना है आपको है? राशन मिलता है? राशन नहीं मिलता। क्या मिलता है? तेल मिलता है हाँ। तो राशन बच नहीं पाता है, कहाँ जाता है? नरवाई। कहाँ की रहने वाली है? सिकरी खेरा। क्या राशन मिलता है आपको? ना। क्यों नहीं मिलता है? प्रधान जी ले जाते। क्या नाम है प्रधान का? यदुनाथ। कैसे ले जाते हैं? गाड़ी से, ट्रैक्टर लेके आते हैं, गाड़ी झपड़ कर धमकी दिखाए थे, गाली गलौज भी करते हैं। तो आप लोग रोकते नहीं है उसको? हम नहीं रोक पाते, हम करो क्यों? अब कुर्दार को गाड़ी दिए थे, लड़ा थे, अब हम कैसे आ जाएंगे? तो आप लोग भी तो लड़ सकती हैं, महिलाएं आगे हैं आज। महिलाएं तो हमें तो परेशान है, हमें तो एक शिकायत जाइए प्रधान जी से कि हम तुम नल लगवाए दें, उन्हें नलों की नहीं लाई, पैसा कड़े हुए जो कछु नहीं रखे, हम 4 महीना से नल के पैसे भी खा गए, अब ला कहीं आओ ही नहीं है पैसा, नल ही नहीं लग पाओ। हम हमारा नाम नल्लू सिंह। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सिकरी जरा। अच्छा, क्या मामला है कोटे का राशन का? ये राशन का मामला ये है, प्रधान जी आते हैं गुंडागिरी गिरदी दिखा करके यहाँ से माल ले जाते हैं। क्या नाम है प्रधान जी?
प्रधान जी का नाम है यदुनाथ सिंह। तो आप लोग फिर क्या करते हैं, कैसे राशन मिलता है? हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, ये कोटदार से कहते हैं राशन की तो जहाँ। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? सिकरी की। अच्छा, क्या मामला, राशन मिलता है आपको? नहीं, नहीं मिलता है। नहीं। कौन ले जाता है राशन? प्रधान। क्या नाम है प्रधान का? यजनाथ। अच्छा, कैसे आते हैं, कैसे ले जाते हैं? रात में आते हैं, गाड़ी फक्कड़ करते हैं, इसको फिर इनके कोटेदार को ले भाल ले जाते हैं पूरे कोटा। जबरदस्ती। हाँ। कितने वर्षों से कर रहे हैं ऐसा? जब से बने जब ऐसे कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? सिकरी जरिया के। अच्छा, क्या मामला है कोटेदार का? कोटेदार पे है ना, हमें तो गल्ला पानी मिला नहीं है साहब, और जो है प्रधान आओ थे रात में तो सब ले जाते हैं। क्या लेकर आता है? ट्रैक्टर लेके आओ साहब। हाँ, और बंदूक की धमकी दे देंगे। अच्छा, कितने लोग आते हैं लगभग? ये लोग जे आउट हैं, तीन आदमी। अच्छा, ये आपको कॉलोनी भी दी है प्रधान ने? हमें प्रधान जी ने कॉलोनी दाई, वो कॉलोनी दे के वो फिर पैसा आओ हमसे, पैसा जो है 40,000 रुपया जुल्की से निकाल के वो घरे ले गए प्रधान जी, और जो है मांगना फिर जो की आप दे दे ले मांगन गए। कॉलोनी बनी आपकी? कॉलोनी हमने अपनी जो है खुद की बनवाई है, खुद के पैसे से बनवाई। अब भाई डांट की पाई। रूबी कहाँ की रहने वाली हो? सिकरी की। राशन मिलता है आपको? नहीं मिलता। कौन ले जाता है? प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान का? एजनाथ। अच्छा, क्या लेकर आती है, कितना गेहूँ ले जाते हैं राशन? ठिलिया लेके आते, पूरे भर ले जाता है। पूरा भर ले जाता? पूरा भर ले जाता है। फिर आप लोग गाँव वालों के लिए कुछ बचता है? कुछ नहीं बचता, जब पूरा भर ले जाता क्या क्या बचता है, उसमें कुछ ही नहीं बचता। अच्छा, क्या और कोई हाथ कैसे आते हैं? वो कैसे रात में आते हैं, गुंडागर्दी दिखाते हैं आए। उसकी लड़की बितियन की गाली दे रहा, कितनी गंदी गाली दे रहा, और हथियार लेके जाता है उसके यहाँ। मतलब वहाँ लोगों ने बताया कि हथियार लेके आता है, एक बुलेरो, एक ट्रैक्टर लेके आता है, 5-6 क्विंटल 10 क्विंटल जितना होता है गेहूँ। वही तो ना, उसके बाद खा जाएंगे। इसने जो धनराशि निकाली है जो भी काम कराए फर्स्ट क्लास कमेटी बन जाएगी। एक मामला आया है कोटेदार को बहुत दमंगे के साथ प्रधान लूटता है रहा है, अभी तक क्या इसमें कार्रवाई की करें? ऐसा मामला हमारे संज्ञान में कल आया था और एक इसमें संबंधित ऑडियो भी वायरल हुआ था, तो इसको ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ के संबंधित तहसीलदार और साथ ही साथ जो सप्लाई डिपार्टमेंट के वहाँ पर इंस्पेक्टर हैं उनकी एक टीम गठित की गई है और उसको जाँच पर लगाया गया। अगर ये प्रकरण सही पाया जाता है तो संबंधित प्रधान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।